बिजनौर के नजीबाबाद इलाके के हरिद्वार हाईवे पर तेज रफ्तार डीसीएम ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि बाइक पर बैठी महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसका इलाज सीएचसी में चल रहा है। 50 से ये सूचना मिली थी यहाँ पर कि एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक महिला है उर्मिला निवासी शहजादपुर की, उसकी मृत्यु हुई थी। और उसको जब ये आरोप लगाया गया कि गाड़ी थी और उसमें उन्होंने छोड़ दिया, जिस गाड़ी से टक्कर हुई थी उनको छोड़ा गया है, तो मैं यहाँ घटनास्थल पर मैं आके मैंने लोगों से बात किया, तो मैंने यही बताया कि लोगों को कि अगर दोषी है इनकी जांच कराई जाएगी, आप लिख के दीजिए, तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे, उसमें चाहे जो भी शामिल होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो लोग इनके घर वाले आए थे और वो समझदार हैं और वो मान गए इस बात को, ठीक है, जो दोषी उनको दंड दिया जाएगा। जाम खुल गया सर? हाँ, जाम किस तरीके लोगों ने कहा है खोलने के लिए, वो खोल रहे हैं, धीरे धीरे बात कर रहे हैं, क्योंकि घटना दुखी करने वाली है, लोग दुखी हैं और उनकी भावनाओं से हम शामिल हैं, हम भी दुखी इसमें हैं, लेकिन जाम लगाना कोई ये कोई अंत नहीं है किसी चीज़ का, विवाद बढ़ाना है, तो लोग समझ गए हैं, अच्छे लोग आए थे और समझते हुए जाम खोल रहे हैं। अभी साइड में गाड़ी मोटरसाइकिल मैंने रोक दी, पैर रोक दिया, मुंह कर रोका, थोड़ा पहिया पीछे की तरफ था, वे सीट पर बैठी थी जी, गाड़ी वाला पीछे से आया जी और उसने ऐसा कट मारा, बम्पर उनकी कमर में लगा और वे फैल गई। आप ही क्या लगते हैं? ये मेरी बीवी थी। अच्छा, पत्नी है। किस चीज़ से थी ये? बाइक थी मुझको। अच्छा, बाइक थी आपके साथ। क्या 100 नंबर वाले छोड़ दिया उनको? 100 नंबर वाले, जैसे मैंने अपनी बाइक को उठाकर मिनी में बैठाना चाहा, तैसे ही उन्होंने उसके पीछे पड़ गए वे और फिर उसे रोक राक कर जो भी करा उन्होंने उसे छोड़ दिया। पकड़ने बाद छोड़ दिया था ना उन्होंने? भाई जो पीछे गए उसका 100 नंबर वाले तो फिर छोड़ देते क्या? जी जी, अगर पुलिस चप्पल मारे उसमें, पकड़ करके उसको छोड़ दिया गया।